सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिसके बाद आप देख सकेंगे मेरे सारे वीडियोस तुरंत। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नितिन TNS ग्रीन में। मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अगर आपके पास कोई पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर है और उसकी DVD राइटर का ट्रे अगर बाहर इजेक्ट नहीं हो पा रहा बटन प्रेस करने के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भी DVD राइटर का DVD ट्रे बाहर नहीं आ रहा है बटन प्रेस करने के बाद, तो उसको किस तरीके से आप इजेक्ट कर सकते हैं वही मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सिंपल सा तरीका है, काफ़ी लोग यूज करते हैं। यूज क्या करते हैं ये इसीलिए बना ही होता है, आपको पता होना चाहिए DVD राइटर के इजेक्ट बटन के जस्ट बगल में ही या फिर उसके आसपास ही एक पतला सा होल बना होता है, वो इसी काम के लिए होता है, इमरजेंसी में आपकी DVD ट्रे को इजेक्ट करने के लिए। तो चलिए आपको दिखा दो उसके लिए करना क्या है। आपको एक पतला सा आपका कोई भी पिन चाहिए जो इस होल में इंसर्ट हो सके। ये देखिए मेरे पास अगरबत्ती का सीका है, या फिर आप सुई भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप टूथपिक को पतला काट के यूज कर सकते हैं, या फिर माचिस की तीली को भी आप उसको उस साइज़ का करके यूज कर सकते हैं। तो इसको करना क्या, आपको बस एक बार यहाँ पे ओपन या फिर इजेक्ट वाले बटन को एक बार प्रेस करना है, उसके बाद तुरंत आपको ये पिन वहाँ पर इंसर्ट कर देना है, और इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका DVD ट्रे बाहर आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट पिन को इंसर्ट कर देते हैं बिना बटन को प्रेस किए, तो होता ये है। सुनिए यहाँ पे देखिए CD आपकी बहुत तेज़ी से अंदर घूम रही है, CD DVD जो भी है, और इस तरीके से आपकी DVD हो जाएगी स्क्रैच। तो ये सही तरीका नहीं है, पहले यहाँ पे एक बार अपने इजेक्ट बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद अपने पिन को तुरंत का तुरंत इंसर्ट कर दीजिए, फिर आपका DVD ट्रे ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये तरीका पता था तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता था तो आज आप जान गए। नीचे कमेंट में मुझे लिखकर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जल्दी वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो फिर मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। सी यू अगेन, बाय। अरे चेक किया।